भगवान कृष्ण के विस्तार को हम देख रहे हैं। ये हैं भगवान कृष्ण, गोलोक धाम में रहते हैं। इनका जो ओरिजिनल रूप है उसी रूप में है, अर्थात ग्वाला, गैया, गोलोक धाम इत्यादि। इस रूप को कहते हैं, इनका नाम है कृष्ण, और इस रूप को कहते हैं स्वयं रूप। अब स्वयं रूप भगवान अपने आप को विस्तारित करेंगे, तो उसका उस विस्तार को कहते हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश यानी खुद प्रकाशित कर रहे हैं अपने आप को। स्वयं प्रकाश जो है प्रक्रिया, ये दो भागों में होती है, एक प्रभाव प्रकाश, एक वैभव प्रकाश। प्रभाव प्रकाश में भगवान एकदम हूबहू सेम दिखते हैं। जितने रूप होंगे वो सारे रूप एक जैसे दिखेंगे। उदाहरण, द्वारका की रानियों के साथ और रास नृत्य। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, मतलब दो दो तरीके नहीं, दो एग्जाम्पल हैं भगवान के स्वयं प्रकाश का। तो इसमें द्वारका में जितने भी कृष्ण थे वो सब एक जैसे ही थे, यही कृष्ण। और स्वयं रूप और रास नृत्य में भी जितने कृष्ण बनते हैं सब स्वयं रूप, यानी इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। ये हो गया भगवान का प्रभाव प्रकाश। अब दूसरा जो भगवान का विस्तार है वो है वैभव प्रकाश। तो भगवान का वैभव प्रकाश जो होता है उसमें भगवान के रूप में थोड़ा फर्क होता है। एग्जाम्पल, बलराम जी। बलराम जी का कलर भगवान जैसा नहीं है, बलराम जी गोरे हैं। तो बलराम जी भगवान के विस्तार है, तो दो प्रकार का। तो कृष्ण ने अपने आप को दो रूपों में विस्तारित किया, एक तो एग्जैक्टली सेम कृष्ण ही है, जहां उनको इच्छा होती है अपने आप को बहुत रूपों में विस्तारित कर लेते हैं, प्रभाव प्रकाश हो गया। दूसरा हो गया वैभव प्रकाश, जहां भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं पर जिस रूप में विस्तारित किए हैं वो रूप एग्जैक्टली भगवान जैसा नहीं होता है, उसमें थोड़ा अंतर होता है। तो ये नाम हो गया बलराम जी का, ये उदाहरण हो गया बलराम जी का। अब बलराम जी जो हैं अपने आप को विस्तारित करेंगे, तो जैसे कि हमने बताया था आपको ये कृष्ण नाम है पर इसका एक और नाम है स्वयं रूप, वैसे ही ये वैभव प्रकाश जो है ये विस्तार है, और इसको कहते हैं एक और नाम से पुकारा जाता है, वो नाम है तदेकात्म रूप। मैं इतना बड़ा बड़ा लिख रही हूं, आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। तो ये तदेकात्म रूप, तो ये जो वैभव प्रकाश समझिए या तदेकात्म रूप, दोनों एक है। ये हो गया विस्तार का नाम और ये हो गया रूप का नाम, ठीक है। तो ये इसमें भगवान का मूड और शरीर की बनावट इससे अलग होती है, स्वयं रूप से थोड़ी अलग होती है, ठीक है। अब ये बलराम जी अपने आप को विस्तारित करेंगे दो तरीके से, एक होता है विलास और एक होता है स्वांश। ये दो नाम है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं दिखा रही हूं आपको। ये विलास रूप है, ठीक। विलास रूप को समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं पहले आपको स्वांश रूप को समझा देती हूं। स्वांश जो रूप होता है उसमें भगवान का
पार्शियल एक्सपेंशन होता है, पार्शियल मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड। अर्थात भगवान का अंश है ये, पूर्ण रूप से भगवान नहीं है। यहां कहा जा रहा है ना स्वांश, ये अंश है, ये पूर्ण रूप से भगवान नहीं है। अब इसमें छह प्रकार होते हैं, इसके छह प्रकार हैं। हम छहों को पहले नाम लिखेंगे फिर बताएंगे आपको। पहला अवतार मन्वंतर, ये एक प्रकार है, ठीक है। दूसरा अवतार लीलावतार, ये हो गया एक प्रकार। तीसरा गुणावतार, चौथा पुरुषावतार, ये सारे स्वांश से ही आ रहे हैं, ठीक है। पांचवा शक्त्यावेश अवतार, और छठे के लिए स्थान नहीं है तो मैं आपको कैसे भी करके बता रही हूं छठा नंबर, ठीक है। छठा नंबर को हम यहां ले लेते हैं, ये छठा नंबर है युगावतार। मुझे लगता है इन सब का नाम आपने सुना है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, छह प्रकार के अवतार हो गए। किससे छह प्रकार के अवतार हुए? जो तदेकात्म रूप या बलराम जी हैं, जिनको वैभव प्रकाश कहते हैं, वहां से उनका स्वांश आता है, स्वांश, और वो स्वांश छह प्रकार से विस्तारित होता है। पहला मन्वंतर अवतार, तो मनु होते हैं 14 प्रकार के, तो ये एक हो गया अवतार या विस्तार। विस्तार भगवान का एक प्रकार का विस्तार हो गया मन्वंतर अवतार। तो 14 प्रकार के मनु होते हैं, अब नाम इसका जानने की जरूरत नहीं है, वो आप किसी और वीडियो में देखिएगा, और वैसे भी बदलते रहते हैं ये युगों के अनुसार। तो ये हो गया मन्वंतर अवतार, ठीक है। दूसरा हो गया लीला अवतार, जो लीला करने के लिए आते हैं, जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, ये सब, रामचंद्र जी भी, राम, मत्स्य, कूर्म एटसेट्रा, ये हो गए लीला अवतार। आसान है बिल्कुल समझना। तीसरा है गुणावतार, और गुणावतार में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुणों को लेके आते हैं, तीन भगवान के रूप, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी। तो ये हो गए सतोगुण से विष्णु भगवान, रजोगुण से ब्रह्मा जी और तमोगुण से शिव जी। तो ये भगवान के जो बलराम जी के स्वांश को, यानी पार्शियल एक्सपेंशन को, यानी भगवान के जो अंश हैं, उसमें ये गुण मिक्स होते हैं। जो गुण मिक्स होंगे उस गुण के अनुसार, जो रूप है उसके अनुसार गुण मिक्स होंगे। इतना लिखूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए लिखा नहीं है। विष्णु भगवान सतोगुण के साथ, ब्रह्मा जी रजोगुण के साथ और शिव जी तमोगुण के साथ, ठीक है। आप लिख सकते हैं आपको इच्छा हो तो। और ये है, अभी ये हो गया तीसरा अवतार,
चौथा अवतार है पुरुषावतार। पुरुषावतार होते हैं प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष। तो तीन प्रकार के पुरुष होते हैं जो आप कई बार सुने हैं। पहला महाविष्णु, महाविष्णु का एक और नाम कारणोदक्षाय विष्णु। दूसरा गर्भोदक्षाय विष्णु। और तीसरा शिरोदक्षाय। तो ये तीन प्रकार के विष्णु हो गए, ठीक है। ये हो गए पुरुषावतार। अब पांचवा विस्तार है शक्त्यावेश। नंबरिंग जो किया है, ऐसा कोई नंबरिंग से विस्तार भगवान नहीं करते हैं, पर समझाने के लिए नंबरिंग है। तो ये शक्त्यावेश अवतार है। इसमें भगवान जिस भी रूप में जीवात्मा जीवात्मा को जो जरूरत है किसी सेवा के लिए, तो उसको वो शक्ति देते हैं, आवेशित करते हैं शक्ति के द्वारा। इसीलिए उसे कहते हैं शक्त्यावेश अवतार। अब इसमें दो प्रकार के होते हैं, शक्त्यावेश में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतार और दूसरा होता है विभूति। ये दोनों शक्त्यावेश अवतार हैं, अवतार और विभूति। अब देखिए एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा आपको। तो यहां ये जो भी इस कैटेगरी में आते हैं वो सब जीवात्मा है, लेकिन भगवान ने शक्ति दी है। ये सब दोनों कैटेगरी, ये शक्त्यावेश अवतार जीवात्मा है और भगवान उनमें शक्ति दिए हैं। वैसे तो कई जगह पे ऐसा दिखेगा आपको, और भी ब्रह्मा जी भी कभी कभी जीवात्मा बनते हैं, जीवात्मा ही ब्रह्मा जी बन जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। तो ये जो अवतार होता है जिसमें कि शक्ति भगवान ने दी है, वो उसके एग्जाम्पल हैं चार कुमार, नारद मुनि, इवन ब्रह्मा जी, अनंत शेष, पृथु महाराज, परशुराम जी। अब आपको लगेगा कि ये इसमें से कुछ नाम तो दूसरे अवतारों में भी हैं। हाँ, होता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे परशुराम जी का आप लीला अवतार में भी नाम देख सकते हैं, परंतु परशुराम जी विष्णु भगवान नहीं है। ये विष्णु भगवान तो है ही ना, स्वांश से निकले हैं, तो विष्णु भगवान ही तो, अर्थात बलराम जी के ही तो स्वांश हैं। ये बात समझ जाइए, बलराम जी के तो स्वांश हैं, ये तो बलराम जी के स्वांश है, तो इनको हम कह सकते हैं, परंतु शक्ति दिए हुए हैं। ये पार्शियल एक्सपेंशन है भगवान के, ठीक है। तो ये किसी किसी कार्य के लिए, जैसे चार कुमार ज्ञान ज्ञान बांटने के लिए आए तो ज्ञान की शक्ति मिली है, नारद मुनि को भक्ति की शक्ति मिली है, ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की शक्ति मिली है, अनंत शेष जी को भू धारण करने की शक्ति मिली है, पृथु महाराज को पालन करने की शक्ति मिली है, परशुराम जी को दुष्टों के विनाश करने की शक्ति मिली है। तो ये शक्ति प्राप्त हुए अवतार हैं। और विभूति जो है, वो विभूति कैसा होता है, जैसे भगवद्गीता के 10वें अध्याय में आप देखते हैं भगवान कहते हैं ना कि मैं पर्वतों में मेरु हूं। तो पर्वतों में मेरु, तो मेरु पर्वत क्या है, भगवान की एक विभूति है। इसी प्रकार मैं पुजारियों में बृहस्पति हूं, तो बृहस्पति क्या है, भगवान की एक शक्ति। या फिर मैं
कार्तिकेय हूँ, सेना का सेनापतियों में कार्तिकेय हूँ। तो ये भी भगवान के द्वारा शक्ति प्राप्त है और ये भी भगवान के द्वारा शक्ति प्राप्त है, पर ये जो शक्ति है ये विभूति कैटेगरी में आता है और ये अवतार कैटेगरी में आता है। तो ये आपने देखा पांच, और छठा नंबर मैंने बताया था आपको युगावतार। हर युग में अलग अलग प्रकार के अवतार होते हैं जो धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। एज के अनुसार डिफरेंट एजेस डिफरेंट अवतार। युग यानी एज, सत्य युग में वाइट रूप रहेगा उनका, वाइट रंग है, और त्रेता में लाल। अब देखिए मैंने बुक में ऐसे ही पढ़ा है तो मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, आपको बता रही हूँ। त्रेता युग में लाल, द्वापर में काला और कली में येलो। ये रंग हैं और इस रंग में भगवान अवतरित होते हैं। अब जैसे इसको आप टैली कराएंगे तो कलयुग में येलो ये चैतन्य महाप्रभु थे युगावतार के रूप में, द्वापर में काला भगवान कृष्ण थे युगावतार के रूप में। तो ये ऐसे ही है, इसके इसके नाम नाम से ही श्रीमद्भागवतम में भी है। तो मैं अपने मन से ना आपको भगवान का रूप नहीं इसमें डालना चाहती हूँ, क्योंकि नाम ही है, सिर्फ रंग ही है वर्णन किया हुआ श्रीमद्भागवतम में भी। तो ये युगावतार में चारों युगों में एक एक अलग अलग रंग लेके भगवान आते हैं जो युगावतार कहलाते हैं। तो ये छह प्रकार के अवतार हो गए जिसको स्वांश कहते हैं, जो भगवान के पार्शियल एक्सपेंशन है। और ये पार्शियल एक्सपेंशन कहाँ से आते हैं? बलराम जी से, और बलराम जी से आकर के और फिर यहाँ अलग अलग तरीके से अवतरित होते हैं। ये हो गया स्वांश, भगवान के वैभव प्रकाश से निकला हुआ स्वांश। अब दूसरा जो था, जो हमने कहा था आपको डिफिकल्ट है इसलिए बाद में बताऊंगी, वो है विलास। ये स्वांश में छह प्रकार, अब विलास में कैसे होता है वो देखेंगे। तो भगवान ये भी बलराम जी से ही निकले हैं, विलास उनका विलास रूप है। तो विलास रूप में जो कैटेगरी है दो है, पहला हो गया प्राभव विलास, और दूसरा हो जाएगा वैभव विलास। तो प्राभव विलास में भगवान अपने आप को चतुर्व्यूह रूप में विस्तारित करते हैं। फर्स्ट चतुर्व्यूह, फर्स्ट क्वाड्रपल, इसको हिंदी में चतुर्व्यूह कहते हैं, इंग्लिश में क्वाड्रपल कहते हैं। चतुर्व्यूह इनके नाम हैं, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो जो पहला चतुर्व्यूह है, मैंने थोड़ा सा यहां गंदा कर दिया है, आपको पढ़ के बता रही हूं, ये अनिरुद्ध है। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध,
तो ये पहला चतुर्व्यूह है। ये पहला चतुर्व्यूह से कोई विस्तार नहीं होता, बस ये चतुर्व्यूह रहते हैं, इनकी सेवा भगवान के धाम में है, ठीक है, इसलिए इनको यहाँ छोड़ दीजिए। अब जो वैभव विलास है, यहाँ से एक मतलब विलास से दो होता है, एक हो गया प्राभव, दूसरा हो गया वैभव। तो प्राभव विलास से पहला चतुर्व्यूह हुआ, जो कि यहाँ पे बस नाम सिर्फ जान लीजिए। कहीं कहीं बताया जाता है कि इसमें इसके संकर्षण से दूसरा होता है चतुर्व्यूह, जो हमने पढ़ा है, पर परंतु यहाँ पर वैसा नहीं है, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए अगर आप पढ़ते भी हैं तो भी। तो यहाँ जो दूसरा एक्सपेंशन है वो है वैभव विलास, यहाँ फिर से चतुर्व्यूह एक होंगे, जिसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रपल। सेकेंड क्वाड्रपल यानी दूसरा चतुर्व्यूह। तो दूसरा चतुर्व्यूह में यही चार नाम फिर से होंगे, कुछ अलग नहीं है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। अभी इस बार मैंने सिर्फ लेटर्स लिख दिए हैं, क्योंकि ये नाम अब पहली बार लिखा ना, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो सब VSPA। अब ये चारों जो हैं ये विस्तारित करेंगे। तो इनका जो पहला विस्तार होता है, जैसे एक दो तीन और ये चार नाम है ना, सेकंड क्वाड्रपल में चार नाम हो गए, चारों पहला जो विस्तार करेंगे वो तीन 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 रूपों में करेंगे, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। ऐसा मैं क्यों लिख रही हूं, देखिए बहुत आसान है इसको याद करना। तो ये पहला जो विस्तार होता है इसको कहते हैं 12 महीनों के 12 प्रिजाइडिंग डीटीज। प्रिजाइडिंग डीटीज को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, मतलब 12 महीनों के 12 रूप हैं भगवान के, जो उसको उसको चलाते हैं, उसको संभालते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। हिंदी में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसको बोलते हैं प्रिजाइडिंग डीटी। तो हमारे पास 12 महीने हैं ना, तो 12 महीनों के लिए 12 भगवान के रूप हैं। तो ये 12 भगवान के रूप, तो एक एक से चार आएंगे, एक से तीन आएंगे, तो चार से हो गए 12 टोटल। अब इनके नाम क्या है, बहुत आसान है, क्योंकि आप जो तिलक लगाते हैं ना वही नाम है। तो पहला से पहला क्या है, पहला नंबर क्या है, वासुदेव। तो वासुदेव से तीन, कौन कौन सा, पहले तिलक कैसे लगाते हैं, ओम केशवाय नमः, तो केशव, ओम नारायणाय नमः नारायण, ओम गोविंद माधवाय नमः माधव। तिलक जब लगाते हैं 1 2 3 4 12 तक, वैसे ही सेम केशव नारायण माधव, फिर गोविंद, फिर विष्णु, फिर मधुसूदन। इसके बाद त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर। इसके बाद ऋषिकेश, पद्मनाभ, और दामोदर। हो गए 12, ये भगवान के 12 रूप हो गए, ये भगवान के 4 रूप हो गए, 4 और 12 कितने हो गए, 16। अब ये इसी से, इनसे ही
ये चार से पहले पहला सेट जो हुआ एक्सपैंड वो हुआ तीन तीन का, फिर से दूसरा सेट इनसे एक्सपैंड होगा, यानी कि वासुदेव से फिर दो आएंगे, इनसे क्या कहते हैं संकर्षण से फिर से दो आएंगे, प्रद्युम्न से फिर से दो आएंगे और अनिरुद्ध से फिर से दो आएंगे। तो इनको कहते हैं विलास मूर्ति, अभी जो दो दो आएंगे ना इनको विलास मूर्ति कहते हैं। तो इनके नाम आपको याद अगर करना है तो जरूरी नहीं याद करना, पर ये नाम नहीं है जो आपको याद है, ये तो नाम याद होगा आपको। तो ये जो नाम है वो है पहला दो अधोक्षज और पुरुषोत्तम। दूसरे का उपेंद्र और अच्युत। तीसरे का नरसिम्हा और जनार्दन। चौथे का हरि और कृष्णा। अब ये कृष्णा को ये कृष्णा से मत मिक्स करिए, ये अपने स्थान पर है, इनका भी नाम कृष्णा है। तो ये हो गए कुल मिला के कितने, चार, 12 और 8, तो टोटल 24। ये 24 हैं भगवान के विष्णु रूप, ठीक है, ये 24 भगवान के विष्णु रूप हो गए, ये सब विष्णु रूप हैं, अर्थात ये टोटल 24 शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए रहते हैं। पर 24 के शंख चक्र गदा पद्म लेने का लेने की स्थिति अलग अलग होती है, तो इसलिए ये जो 24 हैं ये आप भागवतम के फर्स्ट कैंटो के ऊपर फोटो देखते हैं ना, बहुत सारे विष्णु रहते हैं, तो ये 24 विष्णु हो गए, ये भगवान के विलास से, ये सब वैकुंठ लोक में रहते हैं, तो ये भगवान के हो गए वैभव विलास। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, परंतु यही है भगवान का विस्तार, भगवान का विस्तारित रूप हो गया, मैंने आपको पूरा बता दिया आज, देखा आपने। तो अगर आप बार 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 वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और इच्छा है तो नोट्स भी बना लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हरि बोल।